बड़े ही संयोग से अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती एक साथ इस बार पड़ा है, और उससे भी ज्यादा संयोग और सुखद घटना तब हुई जब गोरखपुर का फर्टिलाइजर के कारखाने की धड़कनें फिर से धड़कने जा रही हैं। जी हाँ, 3 दशकों से बंद पड़े फर्टिलाइजर कारखाने को अक्षय तृतीया के दिन विधिवत पूजन अर्चन करके उसके पाइलिंग का काम शुरू हो गया। यानी अब ये कारखाना जो कि इतिहास के पन्नों के गर्त में धूल चाट रहा था, अब वर्तमान का सच बनने जा रहा है, और इसके भविष्य के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं। बुधवार को अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती के मौके पर तीसरा सुखद समाचार देने वाली इस घटना को गोरखपुर न्यूज ने विशेष तौर पर कवर किया। हजारों की संख्या में रोजगार का सृजन करने वाला यह फर्टिलाइजर का कारखाना 90 के दशक के बाद अब दोबारा लोगों के घरों में चूल्हों को जलाने और पेट की आग बुझाने को तैयार है। इसके लिए इसने अपनी पहली दस्तक दे भी दी है। भूमि का समतलीकरण किया जा चुका है, पाइलिंग के लिए विदेश से मशीनें मंगाई जा चुकी हैं, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये कारखाना 2020 में फिर से चल पड़ेगा और खुल जाएगी पूर्वांचल के बेरोजगारों की किस्मत। अक्षय तृतीया के इस अवसर पर फर्टिलाइजर के कर्मचारियों के साथ साथ गोरखपुर न्यूज भी इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनते हुए देखा गया। इस मौके पर FCL के GM AN तिवारी, डिप्टी GM गोकुल सिंह, सुबोध दीक्षित, हरिद्वार पांडे, SSB के DIG रंजीत सिंह सहित अन्य पदाधिकारी और इंजीनियर मौजूद रहे। नए सिरे से बनने वाले इस कारखाने में मशीनें लगाने की जिम्मेदारी जापान की कंपनी को मिली है। कार्यदायी संस्था HURL यानी हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड ने जापान की टोक्यो की कंपनी को लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर दिया है। जब इसके बारे में गोरखपुर न्यूज ने HURL के महाप्रबंधक राम कुमार गुप्ता से बात की तो उन्होंने बताया, गर्वाभ्याम नमः सचे पुरंद्राभ्याम नमः माता गर्वाभ्याम नमः सचे पुरंद्राभ्याम नमः माता पिता चरण देवताभ्यो नमः वासुदेवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः कपिलो गजकर्ण का लंबोदरच विकटो विघ्ननमसो विनायक मंगलाय तनोहरे तदेव लग्नम सुग्रंत देव तारावलम अमयोग मोक्ष भवाम्य हम। रवि का अरे रवि रवि अतुल कहाँ है नाना परमंत्राप्यम गिरहार परमेश्वर प्रतिक्रियताय सुरा प्रियाय लंबोदराय सकला ओम गणेश सिंहाभ्याम प्रार्थनाध्यक्ष सर्पस्पाणि च समर्प्यामि पश्चात भूमि Thank you.
ओम चंदनम मंदते नित्यं पवित्रं पापनाशनम आपदाहर्ते नित्यं लक्ष्मी चालू जिसका शिलान्यास देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने किया था दिसंबर 2020 से बनना शुरू हुआ है, उसके हिसाब से हम थोड़ा आगे चल रहे हैं, पीछे नहीं। कितने दिनों तक ये काम चलेगा सर? ये काम हमारा प्रोजेक्ट है, 3 साल का है, और दिसंबर 20 में जो यूरिया बननी है, दिसंबर 20 में यूरिया हमारा बनना शुरू हो गया, फाइनल हो गया है। अभी तक कितने काम हो चुके हैं करीब? अभी तक हमारा साइल लेवलिंग का काम चालू खत्म हो चुका है और पाइलिंग का काम चालू हो गया है। पाइलिंग का काम हमारा दिसंबर जनवरी 2018 से कम्प्लीट हो जाएगा। उसके बाद पाइल ब्रेकिंग करेंगे, फाउंडेशन तोड़ेंगे, मॉडल बनाएंगे और उसके बाद हमारी मशीनें होंगे।